हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ्लानर। श्रेणी नवम पिले समस्ते किपरी अछ, आशा करछि समस्ते बहुत भल थिबो। तो पिला माने आज रही क्लास रे तुम इतिहास बहर जो प्रथम अध्याय चतुर्थ पाठ अछि जार नाम अछि शांति पई। कोन अछि रे देखिल पछपटे, शांति पई प्रारंभिक उद्यम बा जाति संघ, अर्थात जो प्रथम विश्वयुद्ध होला 1914-1918 मसिया मध्य रे, तार जो परिणाम होला से परिणाम को अटकेबा निमन्ते विश्व स्तर रे एक संघ तैयारी कराइला जार नाँ हूँ जाति संघ। ठीक अच्छे ना, तो ही जाति संघ केते दूर सफल होता केते दूर विफल होता ता रिलेटेड यही चैप्टर टी अच्छी पिला माने बुझिपारा। तो आज वीडियो रे यही जो पाठर जो प्रश्न उत्तर अच्छी आम डिस्कस करवा, कि पे प्रश्न गुड़क आम एमती आलोचना करवा तुम मैंने जदिव यही पाठटी को आलोचना पढ़ी नथिले मैं तुमने अति सहजे पढ़ी पार बा बुझिपार से ही प्रश्न उत्तर गुड़क। ठीक अच्छे ना, किंतु तार अर्थ मुझे यह कहूनी जे तुम टोटाल बह भितर पढ़वनी सीमित ना, निश्चित रूप पढ़व आदि पढ़व आई प्रश्न उत्तर जो देख पे तुम आराम से बुझीपार आ न देखी थे मत बुझ पार। ठीक अच्छे ना, से आम कौन करवा ना एक दुई तीन चार जो चार्टा नंबर चार्टा क्वेश्चन अच्छी आम आग एक आग दुई आग तीन आग चार इमित पढ़वानी, आग चार आग तीन आग दुई तापर एक आग एक पढ़वा चार तीन दुई एक ए वे पढ़वा कहीं पढ़िया। देख चार नंबर क्वेश्चन पे मैंने मुख्यतः तुम बीट क्वेश्चन अच्छी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे, तो से जाक सांगे सांगे कवर ताकू आधार कर पे मैंने तीन नंबर क्वेश्चन अच्छी टिके लंग रही है चार नंबर ठारू तीन नंबर बुझला पर पे आधार कर दुई नंबर क्वेश्चन जगह अच्छी ता आहरी सहजे बुझ दुई तीन चार बेले एक नंबर पे मैंने बहुत सिंपल वे हो तो तुमको जो लंग क्वेश्चन मन रोनी ता इजिली मन रही। ठीक अच्छे, तो चल स्टार्ट करवा। देख तो देख बोले प्रश्न बोले आइला एक दुई तीन चार प्रथम आम चार नंबर करवा। देख बोले चार नंबर प्रथम बीट देला किए प्यारिस सम्मिलन रे जातिसंघ गठन पाई प्रस्ताव देते प्यारिस सम्मिलन रे, आभेनल लेस्टर उड्रो विल्सन ना एरिक ड्रमंड। आंसर पे मैंने उड्रो विल्सन, उड्रो विल्सन। अच्छा उड्रो विल्सन क्यों देश राजा थे प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति थे, इंग्लैंड ना अमेरिकार ना फ्रांस ना कोडर। जाति संघ कोविनांट को केबे केबे भरसाई संधि अंतर्भुक्त कर जाति संघ कोविनांट को केबे भरसाई संधि अंतर्भुक्त कर 1919 जून 28 तारीख। ग नंबर क्वेश्चन देख नूतन राष्ट्र को सभ्य पद देवाई अति कम्रे नूतन राष्ट्र को सभ्य पद देवाई अति कम्रे सभार केते सभ्य समर्थन आवश्यक था दुई तृतीयांश तीन भाग रु दिभाग। रुषिया केबे जातिसंघ परिषद स्थायी सभ्य होता 1934 मसीह जो सचिवालय अच्छी सेक्रेटरी हाउस अच्छी क्यों अच्छी जेनेवा ठार अच्छी क्यों अच्छी जेनेवा। अच्छा जेनेवा क्यों देश अच्छी जो जान कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर। स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय, स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय र विचारपति कार्यकाल हूँ 9 वर्ष केत वर्ष 9 वर्ष। आंतर्जातिक श्रम संगठन शासन नियंत्रक दल रे केते जन सदस्य रही थे 32 जन लाइन कह 32 जन। कोलंबिया को हस्तांतर करथिबा केउ शहर को, कोलंबिया को हस्तांतर करथिबा केउ शहर को पेरू 1933 रे पुनः अधिकार कर दिथिला। आंसर पे मैंने लेटिसिया। इटालीय प्रतिनिधि को हत्या घटन, इटालीय प्रतिनिधि को हत्या घटन क्यों अंचल को इटाली ध्वंस कर दीथिला कर्फ्यू द्वीप। आंसर हो कर्फ्यू द्वीप। इटाली केबे जातिसंघ सदस्य पद छाड़ दीथिला 1937 से छाड़ दीथिला केते मसिया रे सॉरी पिला 1936 मसिया बोला कि। तो पिला मैंने प्रकार चार नंबर क्वेश्चन देखी बर्तमान आम तीन नंबर क्वेश्चन देखा। ओके देख प्रथम बीट देला एटा गोटे वाक्य लेखे कही केबे प्यारिस सम्मिलन रे, केबे प्यारिस सम्मिलन रे जातिसंघ कोविनेंटर चिट्ठा गृहीत होता। आंसर पे मैंने 1919 एप्रिल 28 तारीख में प्यारिस सम्मिलन रे जातिसंघ कोविनेंटर चिट्ठा गृहीत होता। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ख नंबर क्वेश्चन देख
जातिसंघ केबे आनुष्ठानिक भाव प्रतिष्ठित होला ना 1920 मसीहा जानुरी 10 तारीख दिन जातिसंघ आनुष्ठानिक भाव गृहीत होला बा प्रतिष्ठित होला। गणवर क्वेश्चन ला युक्तराष्ट्र अमेरिका काहेकि जातिसंघर सभ्य हो पाला नाही। युक्तराष्ट्र अमेरिका रे पेरिस शांति चुक्ति को सिनेट अनुमोदन न करिवरु एहा जातिसंघर सभ्य हो पाला नाही। स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय दुई प्रकार आईनगत अधिकार कौन कौन थिला गोटे स्वेच्छाकृत आउट हूँ बाध्यतामूलक। आंतर्जातिक श्रम संगठन मुख्य कार्यालय केउटे अच्छी मुख्य कार्यालय जेनेवा ठारे अच्छी। आंतर्जातिक श्रम कार्यालय मुख्य उद्देश्य कौन थी जे प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला प्रत्येक शिशु मान निज देश शिल्प वाणिज्य क्षेत्र में देशर संपर्क या अन्य देशर अनुकूल आ मानवोचित अवस्था सुरक्षित करने आंतर्जातिक श्रम संगठन मुख्य उद्देश्य थी। ठीक अच्छे प्रत्येक पुरुष महिला शिशु मान निज देश शिल्प वाणिज्य क्षेत्र में देशर संपर्क या अन्य देशर अनुकूल मानविकता मानवोचित अवस्था सुरक्षित करने आंतर्जातिक श्रम संगठन मुख्य उद्देश्य थी। सार अंचल को क्यों पद्धति निष्पत्ति निया जर्मानी सहित मिसाई दीजाइला सार अंचल एक गण भोट मध्यम जर्मानी मिसाई दिगला। सोवियत रूसिया को कहीं जातिसंघ सदस्य पद बहिष्कार कर 1949 मसीह फिनलैंड आक्रमण कर रूसिया को जातिसंघ सदस्य पद बहिष्कार कर 1930 आर्थिक मंदावस्था जो राष्ट्रगुड़िक किपर अहेतुक आक्रमण प्रति मन सम्मति जन 1930 आर्थिक मंदावस्था जो राष्ट्रगुड़िक तोषण और अणहस्तक्षेप नीति अवलंबन कर अहेतुक आक्रमण प्रति मन सम्मति जन मीन किए का आक्रमण करते जातिसंघ केवे संयुक्त राष्ट्रसंघ होगा 1946 मसीह एप्रिल 18 द्वितीय विश्वयुद्ध पर जातिसंघ ना चेंज है यूएन यूनाइटेड नेशन जहाँ को आम संयुक्त राष्ट्रसंघ कहे। तो पे एक प्रकार आम 3 नंबर क्वेश्चन देखीदे बर्तमान 2 नंबर क्वेश्चन देखा कौन देखा 2 नंबर क्वेश्चन देख पे 2 नंबर क्वेश्चन दे प्रत्येक प्रश्न उत्तर 20 वाक्य लेख लिखे कही तो देख ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए तुमको। प्रथम क्वेश्चन है जातिसंघर मुख्य उद्देश्य गुड़िक कौन थी जातिसंघर मुख्य उद्देश्य गुड़िक कौन थी देख पे कौन आंसर हो पार जातिसंघर मुख्य उद्देश्य गुड़िक है जे आंतर्जातिक सहयोग शांति और सुरक्षा को उत्साहित करने युद्ध आश्रय न ने राष्ट्रगुड़िक भितर मुक्त निरपेक्ष और सम्मानजनक संपर्क को नैतिक कर्तव्य भाव ग्रहण करने आंतर्जातिक आईन को राष्ट्रगुड़िकर परस्पर मध्य आचरण प्रकृत विधि भाव प्रतिष्ठित होगा ये पॉइंट जब मन रुत छाड़ दि निरपेक्षता बजाय रखा अनुमोदित चुक्तिगुड़ प्रति सचेतन और सम्मान जनवा। ख नंबर क्वेश्चन है जातिसंघर जो सभा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को किपर सामान स्थान दिया जातिसंघर सभा को प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र 3 जन प्रतिनिधि पठाऊ कि केवल गोटे भोटर अधिकार पाते यहपरी सभा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को सामान स्थान दिया राष्ट्रगुड़िक जातिसंघ परिषदर प्रथम स्थायी सभ्य होते क्यों राष्ट्रगुड़िक ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस युक्तराष्ट्र अमेरिका इटाली और जापान जातिसंघर प्रथम स्थायी सभ्य होते जातिसंघ परिषदर अस्थायी सभ्य कार्यकाल केत वर्ष आ प्रत्येक वर्ष केत जन अस्थायी सभ्य निर्वाचित होते जातिसंघर जो परिषदर अस्थायी सभ्य कार्यकाल 3 वर्ष था आ प्रत्येक वर्ष 3 जन अस्थायी सभ्य निर्वाचित होते केवे और क्योंठे जातिसंघर स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय प्रतिष्ठित होता 1922 मसीह फेब्रुआरी 15 तारीख दिन नेदरलैंड हेग ठारे जातिसंघर स्थायी आंतर्जातिक जहाँ को आम आईएलसीएल कहपर इंटरनेशनल लेबर कोर्ट प्रतिष्ठित होता आंतर्जातिक श्रम संगठन मुख्य उद्देश्य कौन थी आंतर्जातिक श्रम संगठन मुख्य उद्देश्य थी जे प्रत्येक पुरुष महिला शिशु मान निज देश शिल्प वाणिज्य क्षेत्र में देशर संपर्क या अन्य देशर अनुकूल आ मानवजित अवस्था सुरक्षित करने आंतर्जातिक संगठन उद्देश्य सारा विश्व में श्रमिक मान स्वास्थ्य रक्षा करने और सेना अवस्था उन्नत आने यार उद्देश्य। नेक्स्ट है आंतर्जातिक श्रम संगठन साधारण सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के जन प्रतिनिधि थे आंतर्जातिक श्रम संगठन साधारण सम्मेलन प्रत्येक राष्ट्र 4 जन सदस्य थे से किपर मनोनीत होते ना से दुई जन सरकार द्वारा जड़े शिल्पपति द्वारा और जड़े श्रमिक द्वारा मनोनीत होते जातिसंघ द्वारा आलांड द्वीपर समस्या किपर समाधान कर 1921 मसीह आलांड द्वीपर अधिकार को नहीं स्वीडन और फिनलैंड भितर झगड़ा होगा तो आलांड फिनलैंड को हस्तांतर कर ठीक अच्छे ना आलांड को फिनलैंड को दी जाइए और स्वीडन अधिवासी को स्वयं शासन अधिकार भी दिगला।
प्रथम विश्वयुद्ध में पराजित राष्ट्र मैंने जातिसंघ को समर्थन देवाई कहीं कुंठाबोध कले जातिसंघ आरंभ में विजित राष्ट्र मान सभ्यपद दि नजर जातिसंघ आरंभ में विजित राष्ट्र मान सभ्यपद दि नजर से जातिसंघ केवल विजेता मान पे मैंने विजित ना पराजित हो लगे जातिसंघ आरंभ में पराजित राष्ट्र मान सभ्यपद दि नजर से जातिसंघ को केवल विजेता मानक एक संगठन बोली कहले एथिपाई जातिसंघ को घोषणा घृणा कले आ समर्थन देवाई कुंठाबोध कले जर्मानी केवे जातिसंघ सदस्य है 1926 मसीह सदस्य पद के सदस्य पद त्याग कला 1933 मसीह ठीक अच्छे। तो पे दुई नंबर क्वेश्चन भी आलोचना कले बर्तमान एक नंबर क्वेश्चन देखा ठीक अच्छे। देख देख पे एक नंबर क्वेश्चन देला जे प्रथम बीट जातिसंघ परिषद क्षमता गुड़ी आलोचना कर जातिसंघ जो परिषद अच्छी सभ्य सभा अच्छी परिषद अच्छी तो परिषद क्षमता गुड़ी आलोचना कर जातिसंघ परिषद अनेक गुरुत्वपूर्ण क्षमता अधिकारी थी से गुड़ी होला देख प्रथम दिला राष्ट्रगुड़ी बोले आंतर्जातिक स्तर में राष्ट्रगुड़ी मध्य जदि कौन बद उपजे शांतिपूर्ण भाव में समाधान करा परिषद मुख्य कार्य एथिपे आवश्यक कले आंतर्जातिक सम्मेलन द्वारा डक पार सेकेंड है कौन सदस्य राष्ट्र चुक्ति पालन जदि अवहेला कले परिषद जातिसंघ सभ्यपद वंचित भी करपारा यही परिषद अहेतुक आक्रमणकारी राष्ट्र विरुद्ध में मन इच्छा जदि गोटे राष्ट्र अनेक राष्ट्र आक्रमण करगेस्ट परिषद मत किसी कार्यानुषान ग्रहण करुला राष्ट्रगुड़िकर अस्त्रशस्त्र परिमाण को ह्रास करने पदक नहीं संख्यालघु स्वार्थर सुरक्षापी संख्यालघु स्वार्थर सुरक्षापी कार्य करवा सार बेसिन और डांजिन सहर को शासन करवा मांडेज व्यवस्था थी अंचल गुड़ शासन को तदारख करवा जातिसंघ सचिवालय कार्य को तदारख करवा जातिसंघ विभिन्न स्वतंत्र संस्था गुड़िकर विवरणी ग्रहण करवा परिषद कर्तव्य थिला। खड़ा देख पे क्वेश्चन टा स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय किपर गठित होता देख स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय 1922 मसीह 15 तारीख में नेदरलैंड द हेग शहर में प्रस्तुत होता है कार्य गुड़िया कौन आरंभ समय एगार जन विचारपति चार जन उपविचारपति थे 1922 मसीह बेलू कि 1930 मसीह आसे आसू यही विचारपति संख्या 15 हो गला 15+4 1936 मसीह आसे आसू जो विचारपति थे उपविचारपति का दि गला सभा परिषद पृथक भाव सभा परिषद पृथक भाव भोटदान पद्धति द्वारा विचारपति निर्वाचित होता निर्वाचित होगापी उभय गृह में निरपुरुष संख्यागरिष्ठता हास कर आवश्यकता था निज देश में सर्वोच्च न्यायालय विचारपति होगापी योग्यता जहाँ और आंतर्जातिक आईन में किसी नलेज थी बोले से विचारपति हो पार एम कार्यकाल हूँ 9 वर्ष आंतर्जातिक चुक्तिगुड़िकर सर्त उद्देश्य को व्याख्या करने परस्पर कलहरत थी राष्ट्र को आईनगत परामर्श देवा जातिसंघर कोविड-19 को स्पष्ट बोधगम्य करवा एवं आंतर्जातिक बदर विचार करने सभ्य परिषद द्वारा प्रेरित कौन बद संबंध विषय आलोचना व मतभेद देवा हूँ उद्देश्य। नेक्स्ट आसला क्यों कार्यगुड़ी जातिसंघ सफलता हो पार ना देख लिथुआनिया दखल जो भिल्ला सहर उपर पोलांडर नियंत्रण यहाँ अटक पारानी कि ग्रीस आल्बेनिया मध्य जो सीमा को आधार कर झगड़ा अटक पारानी तापर ग्रीस और आल्बेनिया मध्य सीमा निरूपण करने को इटालीय प्रतिनिधि को हत्या घटन इटाली द्वारा कर्फ्यू द्वीप ध्वंस और ग्रीस ठार क्षतिपूर्ण आदाय यहाँ जातिसंघ कंट्रोल कर ना जातिसंघ सुरक्षा देखा और जड़े फरासी कमिशनर द्वारा प्रशासित होता मेमेल बंदर उपर लिथुआनिया आक्रमण कला जापान मंचूरिया आक्रमण कला इटाली आफसेनिया विजय कला आ स्पेनियों गृहजुद्ध में प्रजातंत्र उच्छेद प्रजातंत्र लोक मैंने हरियाणव लगे तो यह प्रकार जातिसंघ सफलता हो पारा ना पृथ्वीर युद्ध आशंका को दूरीत करने शांति स्थायी शांति प्रतिष्ठा कर जातिसंघ असफल होगा और 1939 मसीह जो द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होगा ये अटकई पारा ना। नेक्स्ट आसला जातिसंघर विफलता यार संविधान क्यों त्रुटि गुड़ जाता जातिसंघर विफलता यार संविधान निम्नलिखित त्रुटि गुड़ जाता जमीक सभा परिषद में निष्पत्ति नापी सर्वसम्मति आवश्यकता थी निष्पत्ति नाप बहुत असुविधा होता ठीक अच्छे। ये पॉइंटा काटि दिवरी सेकेंड है प्रत्येक राष्ट्र जातीय निरापत्ता को दृष्टि रखी निजर अस्त्र सर्वनिम्न परिमाण को ह्रास कले कि सर्वनिम्न परिमाण अर्थ कौन ता डिफाइन कर जाए जातिसंघ तेणु समस्ते अधिक अस्त्रशस्त्र कर देखेबार आम पाखे कम अच्छे। नेक्स्ट है जातिसंघ युद्ध को अजित असिध घोषणा कर नथिबारु अनेक सदस्य राष्ट्र कौन बदय प्रसंगर समाधान पर सम्मत युद्ध कले जातिसंघ युद्ध को
असिद्ध घोषणा करिनथिबारु अनेक सदस्य राष्ट्र कौनसी विवाद प्रसंग रे झगड़ा लगे झगड़ा लगिले। जातिसंघर निजर प्रत्येक तत्वधान में एक सैन्य बाहन नथिबारु अन्याय आक्रमण करते राष्ट्र सामरिक कार्य को प्रतिरोध करने सदस्य राष्ट्र को इच्छाधीन साहय पर निर्भर करा पड़ता जातिसंघ विभिन्न सामाजिक अर्थनैतिक कार्य संपादन करने को दायित्व दिगले यार निष्पत्ति कार्यकारी करने जथेष क्षमता दि जा ना। तो पे प्रकार आम यार प्रश्न उत्तर गुड़ी आलोचना कले आशा करीडियो समस्त पसंद आस पसंद आस लाइक करवा चैनल को सब्सक्राइब करवा। थैंक यू सो मच।